ओके, अरे गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है सर? यस मैम। यस। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी आप सभी को। मेरा नाम रितु है और देहरादून से हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे बताने वाले। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे हाँ यहाँ से लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में आज आपको यहाँ पे जानकारी दी जाए। लेकिन मुझे ये मौका कैसे मिला और इससे मैंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, इसके बारे में भी मैं आज दो शब्द आपको बताना चाहूंगी। आज से 3 साल पहले मुझे आप लोगों की तरह इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। शुरुआत में मैंने इस बिजनेस को शायद उतना नहीं सीखा जाना, लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस से आज जो मैंने यहाँ पे लेवल लिया है वो मेरा स्टार लेवल है। कैसे लिया है, क्या वो अपॉर्चुनिटी है, कैसे एक छोटी सा चेंज हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इसको जानने के लिए आज हमने आप लोगों को अलग अलग जगह से शायद इनवाइट किया है। ये मीटिंग जो है हमने जूम पे रखी है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से शायद हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कुछ देहरादून से हैं, बहुत से लोगों को हमने फेसबुक के माध्यम से यहाँ पे इन्वाइट किया है। तो आज सभी लोग यहाँ पर नए हैं और नए लोगों के बीच में इस अपॉर्चुनिटी को हम आज शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, इतना कहना चाहूंगी कि आज आप जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, शायद आप लोग सिंसियर हैं और हम लोगों ने जो ये लिंक आपको शेयर किया है, अगर आज आपने इस मीटिंग को सिंसियरली लिया और लास्ट तक इस मीटिंग में हमारे साथ बने रहे, तो हो सकता है जिस तरह आज हमने अपनी लाइफ को चेंज किया है, हम लोग आप लोग खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकें और आज आपको ऐसी जानकारी जो शायद आपको आज तक कहीं से ना मिली। क्योंकि जॉब सब करते हैं, आज आप देख रहे हैं मार्केट की क्या हाल है। आज अगर आप सिचुएशन देखें तो कितने लोग जॉब कर रहे हैं और कितने उससे सेटिस्फाई हैं। अगर मैं बात करूं तो बिफोर वेस्टीज या बिफोर इस बिजनेस से पहले मैंने भी बहुत अच्छी जॉब की, मैंने बिलीव किया है, सर्वे ऑफ इंडिया से मुझे जॉब करने का मौका भी मिला, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया और फैमिली के साथ साथ शायद मैं उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन कुछ बिजनेस या कुछ अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में अचानक ऐसे आई कि मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के शायद शायद इस बिजनेस को कर सकती हूँ और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकती हूँ। तो आज आप लोगों के बीच में भी उस बिजनेस को या उस अपॉर्चुनिटी को हम शेयर करेंगे। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हैं, या चाहे आप किसी प्रॉपर किसी अच्छी जॉब में हैं, हर कोई व्यक्ति उस बिजनेस को कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है और कैसे यहाँ से लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उसको बताने के लिए मैं आज यहाँ पर एक हमारे तो मैम आपकी वॉइस बंद हो गई है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आवाज आ रही है सर? सॉरी यस मैम, सर, अब एक कॉल आ गया बीच में कि सर बहुत से लोग इनवाइटेड हैं और मैं सबका वेलकम करूंगी अगेन। और हमारे बीच में हमारे डायनामिक लीडर जो कि दिल्ली से हैं, संतोष सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ सर कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप आज इन सभी लोगों को एक अच्छी और प्रॉपर गाइडलाइन दें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सब लोगों का मेरा अभिनंदन, आज आप लोग इस सेशन में मौजूद हो। रियली में दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आप बहुत सारे लोग हमारे बीच में अलग अलग स्टेट से हैं, सोशल मीडिया से कुछ लोग हैं, अलग अलग जगह से इनवाइटेड किए गए हैं। मेरा एक विश्वास कीजिएगा, आज का सेशन आपकी लाइफ का बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज का सेशन आपकी जिंदगी का एक बदलाव होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आपको मार्केट में हो रहे हैं ऐसे बहुत सारे कामों के बारे में बताया जाएगा जिससे आप नहीं जानते, बट हाँ लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नाम संतोष कुमार, मैं भी आपकी तरह इस सेशन को मैंने भी एक बार अटेंड किया था। सेम किसी ने मुझे इन्वाइट किया था दोस्त इस सेशन को इन्वाइट करने के लिए। जैसे आप लोग इस सेशन को ले रहे हो ऑनलाइन, मेरे को भी किसी ने बताया था तो मैं भी इस सेशन में आया था, और आने से पहले मैंने बहुत सारे अपने ख्याली दिमाग में बहुत सारी बातें बनाई हुई थी, यार ये काम हो सकता है, वो काम हो सकता है, फलाना होगा, ढिपकाना होगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, आने वाला 30 मिनट 30 मिनट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। कोई भी दिमाग में विचार बिना बनाए आप इस सेशन में बने रहना, और
आपके सारे मन में आ रहे हैं सवालों के आपको जवाब यहां मिलेंगे जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा। तो मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल थे, पर कुछ ऐसी चीजें आई मेरे सामने जो मेरे को जोड़ती थी उस चीज से, और मैंने इस सेशन को और इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इस अपॉर्चुनिटी को अपने जॉब के साथ स्टार्ट किया। मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब करता था, आज छोड़ चुका हूँ, फुल टाइम इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ इनकम। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सब लोग अपनी इनकम अच्छी चाहते हैं, लाइफ में टाइम चाहते हैं, वो मेरे पास जॉब में टाइम नहीं था। 48 आवर्स की जॉब के बाद मैं घर आता था, 48 घंटे की ड्यूटी हाँ दोस्तों थी मेरी, बट इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट निकाला। आज मैं अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ जी ही नहीं रहा हूं, प्लस बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूं, जैसे आप सभी लोग यहां बैठे हैं हमारे बीच में, और आप लोग किसी ना किसी के माध्यम से आज बुलाए गए हैं। दोस्त वादा करता हूं 30 मिनट आपकी लाइफ के वो गोल्डन 30 मिनट होंगे जो इस सेशन में आपके बदलेंगे। मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, एक अच्छी इनकम कमा रहा हूं, यहां से गाड़ी ले चुका हूं। दोस्त मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पैसों से गाड़ी ले चुके, बिकॉज मार्केट में बहुत पैसा है, हमें बताने वाला कोई नहीं मिला। हम जानते तो है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, हमें कोई बताने वाला नहीं मिला, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं कर पाए। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, ज्यादा ना समय लेते हुए मैं अपने स्क्रीन की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा, और मैं बोलूंगा कि आज हम जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, प्लीज अपने माइंड को ओपन करके बैठिएगा, क्योंकि बोला जाता है पैराशूट और दिमाग जब खुलते हैं जब ही काम करते हैं दोस्त। और पहले से आपके दिमाग में कोई भी बातें हैं जो आप लेके बैठे हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली, जब तक गिलास खाली नहीं होगा ना, मैं उसमें कुछ डाल नहीं पाऊंगा दोस्त। तो प्लीज अपने माइंड के उस गिलास को ना आप खाली कर लीजिए, ताकि मैं कुछ बातों को वहां डाल पाऊं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड के साथ। आप जैसे देख पा रहे हो, आज मैं बात करने जा रहा हूं आत्मनिर्भर। कैसे हम लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। आज आप लोग देख रहे हो डे बाय डे लाइफ बिजी होती जा रही है, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे हम लोग हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, पर हर आदमी चाहता है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो। कैसे आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, आज मैं वो बताने जा रहा हूं दोस्त। आज इस दुनिया की भागदौड़ में देखा जाए तो सबसे बड़ी सिचुएशन क्या चीज की है, ये आपको पता है। आदमी अपने लाइफ के अंदर चाहे नौकरी कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, वो ये सारी चीजें चाहता है। क्या चाहता है दोस्त? आप लोग हैप्पीनेस चाहते हो, खुशी चाहते हो, एक कंफर्ट चाहते हो यार, कि लाइफ में कंफर्ट हो, हर एक चीज का फ्रीडम हो, सक्सेस हो हमारे पास, एक ड्रीम घर हो, सिक्योरिटी हो, फैमिली सिक्योरिटी हो। हर आदमी चाहता है अपने जॉब के साथ में, हर आदमी कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर हो, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय है, या कोई भी अपना छोटा मोटा बिजनेस है, हर आदमी चाहता है उसकी फैमिली सिक्योर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, एक हेल्दी लाइफ जी, अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ दे। तो वैसे ही दोस्त, यहां पर आप हर ड्रीम पूरा कर सकते हो। हर आदमी का एक कॉमन ड्रीम होता है, एक घर, पैसा, फैमिली सिक्योरिटी, अच्छा रिलेशनशिप हो, फैमिली के साथ हम वर्ल्ड टूर पे जाए। आज का आप देख सकते हो, आज का एक टूरिज्म एक फैशन बन गया है लोगों का। क्या होता है कि हर आदमी अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने जा, फैशन बन गया है दोस्त। एक लग्जरी कार हो, अपनी फैमिली को हम कार दे। पर आज हिंदुस्तान में लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद क्या सिचुएशन आई, डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दोस्त, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, अभी का 8.9% बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। 140 करोड़ का 8.5% निकालो, कितना बड़ा बेरोजगारी है। आज हम देख रहे हैं, आज बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बट क्या हमारी लाइफ चल रही है? क्या हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें मिल पा रही है जो हम चाहते हैं? एक आदमी एक जॉब के साथ पार्ट टाइम में काम कर रहा है, मैंने देखा कि एक आदमी सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे फ्री हो जाता है, उसके बाद अपना ओला उबर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा। क्यों दोस्त? पैसा चाहिए, पैसा नहीं है लाइफ में लोगों के पास। तो क्या आपकी भी ये जिंदगी है? अगर आप भी चाहते हो एक्स्ट्रा मनी अपने
काम को बिना डिस्टर्ब किए एक एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो, दोस्त आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आज मैं एक ऐसी चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, एक ऐसा मौका जो आप जानते हो आपके बीच से ही लोग पैसा कमा रहे हैं बट इसकी जानकारी नहीं, मैं वो जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप रेडी हो? आज अगर बात करूं कि आज मार्केट के अंदर देखूं तो बहुत बड़ा फैमिली सिक्योरिटी को एक रीजन लेके आता है, महंगाई का दर कितना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो इंपोर्टेंट स्टैटिक रिपोर्ट है एक आपके सामने कि बोला जाता है इकोनॉमिक्स डाटा कि हर 10-20 साल के बाद हमारा एक रुपया 10 रुपए के बराबर हो जाता है, 1-0 बढ़ जाती है। यहाँ आपके सामने एक फोटो पिक्चर दिखाई जा रही है, सन 1920 के अंदर हमारा घर खर्चा 1 रुपए में चलता था और हमारी फैमिली में 10 से 15 लोग हुआ करते थे, है ना दोस्त, 10 से 15 लोग, दादा दादी भैया भाभी चाचा चाची सब पूरी फैमिली में लोग होते थे, बड़ी फैमिली होती थी। बट आपको पता है महंगाई जैसे जैसे बढ़ती गई हमारी फैमिली कम होती चली गई। 1940 आया, हमारा घर खर्चा 10 रुपए हो गया पर हमारी फैमिली सिमट के 8 पे रह गई, 8 से 10 लोगों की। देन फिर 20 साल बढ़े, महंगाई दोबारा बढ़ी, 1960 के अंदर हमारा घर खर्चा 100 रुपए हो गया, फिर हमारी फैमिली कम हो गई, 6 लोगों की फैमिली होगी, 8 से 6 लोगों की फैमिली होगी। 1980 आया, घर खर्चा 1000 रुपया हुआ, हमारी फैमिली 4 से 6 लोगों के बीच हो गई। और आज का सिचुएशन क्या बोलूं, 2010 2020 निकल गया, क्या हमारी फैमिली में आज 1 लाख रुपए इनकम आ रही है? एक अच्छी लाइफस्टाइल कमाने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, एक अच्छी जीवन शैली को जीने के लिए दोस्त नहीं आ रही है। और पता है हमारी फैमिली कितनी सिक्योर हो गई, एक एड भी आने लगी है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। पहले एक चीज बोली थी ना, हम दो हमारे दो, बट अब ये एड गायब हो गई है, बोला जाता शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वजह है दोस्त पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आप कैसे अपने परिवार फैमिली को पाल पोस सकते हो? तो क्या रास्ता है आपके पास, कभी सोचा है? आज उसी के ऊपर मैं बात करने जाने वाला हूं कि कैसे हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं महंगाई के साथ में, कैसे हम दोस्तों पैसा कमाने का दो ही रास्ता है, तो जॉब है या बिजनेस, क्लियरली बात है, इसके अलावा कोई और काम है नहीं दोस्त, दो नंबर का काम मैं नहीं करता, आप मत सोचना। हाँ सोच रहे होंगे दिमाग में आपके, बात चल रही है कि यार किसी को लूट लेंगे, बैंक में जाके डाका डाल लेंगे, 10 साल का काम हो जाएगा, पर नहीं दोस्त, एक नंबर का पैसा शायद इन्हीं रास्तों से आता है, जॉब या बिजनेस। जॉब में आज क्या हो रहा है, सच बताना दिल पे हाथ रख के, क्या आज आपकी जिंदगी EMI पर नहीं चल रही? हाँ बिल्कुल सही, आपके मुस्कुराते हुए जो चेहरे है ना मुझे बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी EMI पर चल रही है। बट क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, जरूरतें बढ़ गई है, हमें हर एक चीज चाहिए, नीड बढ़ गई है हमारी दोस्त। जॉब इसकी फुल फॉर्म है जस्ट ऑबे बॉस या जूस ऑफ बॉडी, बॉडी की जूस निकाल लेता है जॉब, ना तो ये मरने देता है ना ये उठने देता है, बस बीच में हम फंसे हुए हम जी रहे हैं। बट बिजनेस, आपको भी पता है बिजनेस के अंदर बहुत पैसा है, पर क्या हमारे अंदर वो दम है बिजनेस करने का? क्या पैसा है? पैसा नहीं है। एक मिडिल फैमिली से मैं भी बिलोंग करता था, मेरे पास भी बहुत बड़ा पैसा नहीं था कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई जिसने दिखाया कि भी मैं बिना पैसे लगाए इस बिजनेस को कर सकता हूं, इस वर्क को कर सकता हूं अपने काम के साथ में। मैंने करना स्टार्ट किया। हिंदुस्तान में आपने देखे होंगे 4 कैटेगरी में लोग, हिंदुस्तान की जनसंख्या को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। ये एक रॉबर्ट कियोस्की की एक बहुत बड़ी थ्योरी है, आप इसके बारे में आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। बट अगर देखा जाए ना 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं और मात्र 5% पीपल ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर पे आते हैं। मैं एक आग्रह समझाने जा रहा हूं कि हम लोगों का मकसद क्या है लाइफ में काम करने का, हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर मैं पैसे की बात करूं वेल्थ की, तो अपोजिट है, पूरा अपोजिट, कि जो एम्प्लॉयज जो सेल्फ एम्प्लॉय है उनके पास मात्र 5% पैसा है और जो बिजनेस और इन्वेस्टर है उनके पास 95% पैसा है। वाई, क्यों है यार? हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी इतना बड़ा पैसा हो, पर क्यों नहीं आ रहा है? क्या हम अपना
सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को सही जगह पे लेके जा पा रहे हो? हर आदमी चाहता है कि मैं पैसिव इनकम कमाऊं। पैसिव इनकम का मतलब दोस्त वो होता है कि आपका काम एक बार किया जाए पर पैसा बार बार आए। जैसे बल्ब बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन, एक बार तो बनाया, आज जितनी बार बल्ब खरीदा जाता है उनके घर में पैसा जा रहा है। बुक राइटर, अगर मैं बात करूं हैरी पॉटर की बुक, आज जितनी ज्यादा बिक्री है उतने ज्यादा पैसा उनके घर में जा रहा है। सिंगर लता मंगेशकर जी आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके गाने जब जब हम सुनेंगे उनके घर में पैसा जाएगा। इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। मतलब हम जब तक काम करेंगे पैसा आ रहा, जिस दिन काम छोड़ देंगे उस दिन पैसा नहीं आ रहा। पर क्या आप चाहते हो कि आप इस कैटेगरी से उठ के उस कैटेगरी में जाओ जहां से 5% के अंदर हम लोग उस शामिल हो जाए? हाँ दोस्त, हम शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप रेडी हो जाइए, मैं उसी वर्क से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। कैसे ये काम होता है, कैसे हम ये काम करते हैं, तो आपको बताने जा रहा हूं। इनकम का एक फॉर्मूला, ये आप भी जानते हो, इनकम का फॉर्मूला क्या है? रेट इंटू टाइम इक्वल टू इनकम। कि जितना घंटा हम लोग काम कर रहे हैं और जितनी एजुकेशन हमने की हुई है उसके हिसाब से हमें इनकम मिलती है। दोस्त एक कैटेगरी होती है जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, महीने में 26 दिन काम करना, साल में 12 महीने काम करता है और लगभग अपनी 40 साल की उम्र तक काम करता है। 40 साल वो काम करता है। अगर किसी ने 23 साल की उम्र में ज्वाइन किया है तो 60 साल के बाद मतलब लगभग 37 ईयर हो जाते। तो एक एवरेज निकाला है और देखा जाए डेली का तो क्या निकल के आता है, लगभग एक आदमी अपनी पूरी लाइफ के अंदर 99,840 यानी कि 100,000 घंटे काम करता है। 100,000 घंटे पूरी लाइफ में काम करता है। शायद यही एक फॉर्मूला है। बट दूसरी तरफ देखा जाए, एक बिजनेस करने वाला आदमी एक बहुत बड़ा सेटअप लगाता है, उस सेटअप में अपने साथ 10,000 वर्कर को काम पर रखता है और डेली वो 8 घंटे काम, अगर एक वर्कर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो दोस्त पता है आपको एक दिन के अंदर 80,000 घंटे काम हो रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी इनकम एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। कैसे? तो उसी तरफ मैं आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं जिसके ऊपर आपको मालूम चलेगा कि कैसे आज हिंदुस्तान के अंदर लोग बिजनेस खोलना तो चाहते हैं पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो रुक जाते हैं। हर आदमी चाहता है बिजनेस करना, बिजनेस क्यों नहीं कर पाता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट चाहिए, आज हमारे पास वो पैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बाद यार एफर्ट बहुत लगता है, जाने का समय तो है दुकान पे, आने का समय का पता नहीं। कनेक्टिविटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए लोगों का कि आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सको। नॉलेज चाहिए, नॉलेज नहीं है। एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं है। चलो हम सारी सिचुएशन के अंदर बिजनेस खोल भी लेते हैं तो वर्ल्ड का एक डाटा है, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है जो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते, लेना ही नहीं चाहते रिस्क जिंदगी के अंदर। पर दोस्त बिना रिस्क आप कामयाब नहीं हो सकते। और मुझे इतना पता है कि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज बताने जा रहा हूं जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको 1% का रिस्क नहीं, बट उसके लिए मुझे आपका आधा घंटा चाहिए जो आपने मुझे दिया है। मैं आपको बहुत जल्दी फ्री कर दूंगा, पर दोस्त एक चीज, अपने माइंड में जितने भी सवाल हैं आप उसको नोट कर लेना और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपका वो सवाल क्लियर होता जाएगा। रिस्क फैक्टर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक रेशो वर्ल्ड का, कि स्टार्टिंग का सेटअप कोई भी बिजनेस 1 साल के अंदर 71% बंद हो जाते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वर्ल्ड के अंदर 71% बिजनेस बंद हो जाते हैं पहले साल के। हाँ, इसीलिए लोग बिजनेस नहीं करना चाहते और एक सेफ जोन के अंदर रह के गेम खेल रहे हैं। बट उस सेफ जोन में क्या हो रहा है, पैसा नहीं है। एक हम समझौते की जिंदगी जी रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम खाना कब खा रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि यार हमारे मम्मी पापा के साथ कब बैठ के लास्ट टाइम हमने खाना खाया था, अपने फादर के साथ कब हमने बैठ के 2 मिनट बात की थी, या अपने मम्मी के साथ बैठ के हमने कब उनसे पूछा था मम्मी आज तू टेंशन में लग रही है।
पता है दोस्त क्यों? आज हम बिजी है, आज बिजी है, हम 10 से 15 हजार रुपए कमाने में आज हम बिजी है, बट हम मौका नहीं तलाश रहे। तो आज उसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर बताने जा रहा हूं। आपने सुना होगा कि सोल्यूशन, जब समस्या होती है तो सोल्यूशन भी होता है। मैं आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं दोस्त, सोल्यूशन कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर वो टाइम निकाल सकते हो। सोल्यूशन क्या सोल्यूशन है इसका? आपने देखा होगा, आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग, सुना होगा ना? हाँ, कुछ लोगों को याद है, हाँ हाँ ये एफिलिएट मार्केटिंग, शायद एफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं है दोस्त, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता कि हम ज्वाइन करते हैं, किसी चीज को प्रमोट करते हैं, पैसा आता है। यस, आज लोग पैसा कमा रहे हैं इससे, अपने काम के साथ में काम को करके पैसा कमा रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग को वर्ल्ड वाइड में एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है, इसको दूसरा भी नाम बोला जाता है, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। दोस्त इस इंडस्ट्री को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रूम कर रही है, और इसी इंडस्ट्री को एक और नाम से बुलाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्त काम एक ही है, नाम अलग अलग है और कुछ नहीं। आज मैं आपको, हाँ हाँ रुको रो जाना नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में आ गया, अरे यार ये वही नेटवर्किंग है, वही चैन बनाने का बिजनेस है, अरे वही जोड़ने का बिजनेस। नहीं दोस्त, आज मैं आपको प्रूवन लीगल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड के रैंक पे काम कर रही है। पर आपको जिन लोगों ने इसके बारे में बताया कि यार ये कंपनी बेकार होती है, फ्रॉड होती है, भाग जाती है, यार बहुत सारी हमने करके देखी, पर दोस्त क्या वो सफल है? जिन व्यक्तियों से आपने राय लिया क्या वो सफल हुए जिंदगी में? यार मेरे को पथरी है और मुझे एक आदमी आके राय दे रहा है कि कंपनी बेकार होती है, अगर मैं उससे बोलूं भाई तू मेरा ऑपरेशन कर दे, मुझे पथरी है, तो क्या मेरा ऑपरेशन कर पाएगा? नहीं। जिस चीज की नॉलेज नहीं है हम लोग उसके ऊपर नॉलेज ले रहे हैं। दोस्त आप वादा करता हूं 20 से 25 मिनट मुझे देना, मैं सारा क्लियर कर दूंगा कि ये क्या वर्क है। तो आगे चल के लेके चलता हूं। आपको पता है कि रिव्यू, रिव्यू क्या होता है, व्हाट इज रिव्यू? आपको पता है कि हम जो प्रोडक्ट या कोई भी सामान यूज करके गूगल पे जो रिव्यू देते हो, आपने देखा होगा ना, जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, मेक माई से कोई बस बुक करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं, तो हमारे पास लगातार फोन आता है, सर हमें रिव्यू दे दो, सर हमें रिव्यू दे दो। व्हाई रिव्यू? आपको पता है आपके रिव्यू देने से उनको पैसा मिलता है। हमने अच्छा रिव्यू दिया, 10 लोगों ने पढ़ा, उनके पास गए, उनके पास पैसा आया मेरी वजह से। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके सामने एक पोस्टर लगा रखा है वीवो का, दोस्त मैं किसी फोन का ऐड नहीं कर रहा हूं, वीवो का एक फोन है F11, मैं इसका आपको एक दिखा रहा हूं कि एक बहुत हैंडसम बंदा इसका प्रचार कर रहा है टीवी पे आके। मैंने फोन को इस्तेमाल किया और मुझे फोन के फीचर बहुत अच्छे लगे, मैंने अपने दोस्त को बोला, मेरे पास मेरा दोस्त आया, बोला यार मैं वीवो का फोन लेने जा रहा हूं क्या करूं? मैं उसको बोलूंगा अरे वीवो का फोन मत लियो भाई, बड़ा बेकार है, इतना बेकार साला आज तक मैंने फोन नहीं देखा, उसका कैमरे की क्वालिटी घटिया है, बैटरी बैकअप नहीं है, आवाज तक साफ नहीं आती है, यार हैंग बहुत करता है, गर्म बहुत होता है, क्या लेगा? क्या लेगा? लेगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं लेगा दोस्त। आप सोचो आपने क्या किया, आपने एक ब्रांड का प्रमोशन किया, आपने बोला कि भाई वीवो फोन बढ़िया नहीं, एमआई का फोन बहुत बढ़िया है, अब वो जाके एमआई का फोन ले लेगा। रिव्यू मेरा था, पैसा भी मुझे मिलना चाहिए था। अमिताभ बच्चन जी आते हैं, नौरत्न का तेल का ऐड दिखा के चले जाते हैं, लगाया मैंने सरदर्द मेरा आराम हो, तो मैंने बोला भाई तू भी लगा ले, सरदर्द तेरा आराम हो जाएगा नौरत्न। हकीकत में वर्ल्ड का कोई भी सामान बेचने वाले हम लोग होते हैं, बट पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जिनकी वजह से कुछ भी नहीं बिकता। यस या नो? तो दोस्त ये भी वो बिजनेस है जो आप कर रहे हो पर पैसा आपको नहीं मिला। मैं ऐसे एक बिजनेस के बारे में आज बताने जा रहा हूं जो आप करोगे तो यहां से आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। एक मिनट, कोई हमारे बीच में शख्स कलाकारी, तो मैं बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, और मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है ट्रेडिशनल बिजनेस? एक मैन्युफैक्चरिंग सामान बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, देन वहां से क्या होता है, वहां से आप देख रहे हो कि बहुत सारे बिचौले के बीच में होता हुआ
वो सामान हम लोगों के पास पहुंचता है, वो हमारे पास पहुंचता है, उसके बावजूद एडवर्टीजमेंट आती टीवी पे, एड आती है, और जब तक वो एड से हम लोग सामान नहीं खरीदते, हम सामान नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, तो दोस्त आपको पता नहीं चलता कि वो सामान क्या है। तो यहां पर हम जैसा एक कंज्यूमर जाके उस एड से पैसा कमाता है, हम लोग एड देखते हैं और जाके हम सामान खरीद लेते हैं, और उससे हमारा बीच में क्या होता है, सामान मैंने खरीदा और बीच में जितने भी बिचौलिए हैं उनको जाके पैसा मिलता है, उनको जाके पैसा मिलता है, और इससे क्या होता है, हमें क्या होता है, अभी जो सिचुएशन है उस टाइम पे आप देखो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, पर आज अपडेट हुआ, समय अपडेट हुआ, और समय अपडेट के साथ क्या हुआ, हमारे पास ना टीवी में एड आए, एक मैन्युफैक्चर आज भी है, एक मैन्युफैक्चर आज भी है, बट आज वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं इस्तेमाल हो रहा है। आज एक आदमी बिग बाजार, इजी डे, सुपर मार्केट, वी मार्ट, रिलायंस फ्रेश पे जाके सामान लेके आता है और पैसा बिचौलियों में न बट के इन लोगों के बीच में बढ़ जाता, बहुत बड़े मार्जिन पे ये काम हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और इसे हमें कुछ नहीं मिलता, पता है आपको, पर इसके बावजूद भी हमारे बीच में आज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैन्युफैक्चर वही है, कस्टमर भी वही कर रहा है, पर आज डिजिटली इतने बड़े ब्रांड हमारे बीच में आ गए, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो ये सारा टीवी पे एड के माध्यम से हमें मालूम चलता है, हम लोग इन ऐपों पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं और घर में आ जाते हैं, सामान घर आ जाते हैं। बट दोस्त, क्या आपने कभी इन रास्तों से पैसा कमाया? क्या आप पैसा कमाना चाहते हो रियल में? बहुत बड़ा पैसा है यार, रियल में बहुत बड़ा पैसा है। अफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इस फील्ड में बहुत पैसा है। आज मैं बताने जा रहा हूं कैसे, आप भी यहीं पर हो, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि मैन्युफैक्चर अपनी जगह है, कस्टमर अपनी जगह, बिल्कुल सही है, बट हुआ क्या, एक कनेक्टिविटी बनी डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर हम कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी बाय करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है, इन तीन चीजों का बेनिफिट होता है कि आपको हमेशा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लिया हुआ सामान डिस्काउंट मिलेगा 10-20%, जब भी आप सामान लोगे आपको 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा, यहां तक कि 5-11% आपको कैशबैक भी मिलेगा। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही सुन रहे हो, हाँ, आज तक आपने आ, आ, बिग बाजार मॉल से गए, आपने रिलायंस फ्रेश से सामान लिया, फ्लिपकार्ट से सामान लिया, हर जगह से लिया, कभी कुछ मिला नहीं मिला, पर यहां से ओनली फॉर सामान लेने पे ये बेनिफिट मिला आपको, क्या डिस्काउंट मिला आपको, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री मिला, कैशबैक आया, इसके अलावा कंज्यूमर बेनिफिट आपको और क्या मिलता है, इसके अलावा कंज्यूमर बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको यूजर ऑफर, अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो जिसकी एमआरपी 2400 की है, आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वो मात्र 2000 का मिलेगा। अगर यही सामान लगातार 4 मंथ इस्तेमाल करते हो, 4 मंथ लगातार, तो लगभग टोटल आपको 8000 का पड़ेगा, 4 महीने हर महीने 2000 का सामान। बट इसके ऊपर बेनिफिट क्या होने वाला, सेविंग क्या हुई, आपकी बचत क्या हुई, आपकी पहली बचत हुई डिस्काउंट 10-20%, तो आपने देखा कि आपको 400 ऑन एमआरपी आपका सामान बचा, क्योंकि डायरेक्ट माल मिला, बिचौलिए कोई भी नहीं है, ये आपको बेनिफिट हुआ। दूसरा आपको बेनिफिट मिला 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री मिला, 200 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिला है। तीसरा बेनिफिट कैशबैक आपको क्या आया, 60 रुपए टोटल आपका मंथली बेनिफिट हुआ, 660 रुपए दोस्त। यूजर अगर 4 महीने लगातार लिया तो हमने लगभग टोटल हमारा बेनिफिट हुआ है 2640 रुपए का। अगर इसी में आपको पता, 4 महीने मैंने क्यों बोले, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी इंडस्ट्री से आप जुड़ते हो तो आपको 4 महीने लगातार सामान लेने पे कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलते, जैसे 2400 एमआरपी का प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपको 1500 एमआरपी के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलते, तो 2640 के अंदर मैंने 1500 टोटल जोड़ा तो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 4140 रुपए। आज तक नहीं हुआ दोस्त मार्केट में 51% का मार्जिन, 51% का मार्जिन एज अ यूजर। क्या कभी
अमेजोन फ्लिपकार्ट या बिग बाजार या उन्होंने दिया नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो आप यूजर बेनिफिट अपनी बचत कर सकते हो दोस्त, ये बचत है। आगे बात करूं, अगर बहुत सारे लोगों की फैमिली बड़ी होती है, उनके घर में ज्यादा सामान लगता है, तो कई सारी कंपनी आपको ये ऑफर दे रही है क्या कि अगर एमआरपी 3600 का है और अगर आप उसको लेते हो तो आपको 20% डिस्काउंट पर मिलेगा, बिल आपका 3000 का बनेगा। 4 महीने लगातार लिया तो आपका बिल टोटल 12000 4 महीने का हुआ, और आपने 4 महीने में सेविंग कितनी कर ली, हर महीने आप 600 रुपये ऑन एमआरपी बचाओगे, दूसरा आपको हर महीना 300 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, तीसरा आपको 90 रुपये कैशबैक मिलेगा, टोटल बेनिफिट 990 रुपये का 4 महीने के अंदर, लगभग आपका 3960 रुपये का। और आफ्टर 4 मंथ आपको कंपनी 3000 रुपये का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री देगी। हाँ दोस्त, बिल्कुल फ्री। आप यूजर हो, जिंदगी भर यूजर बने रहोगे, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। टोटल बेनिफिट हो गया 6960 रुपये का, सामान हमने 12000 का लिया, 58% का मार्जिन मिला यूजर बेनिफिट। आप ग्राहक हो, यस या नो हो, क्या आपको ये फायदा कभी मिला? नहीं मिला ना, पर आपको आज इस काम को करने से आपको फायदा मिलेगा। अगर आप यूजर हो और यहां से आप प्रोडक्ट लेते हो तो सबसे पहले आपकी बचत होने वाली है, और हाउसवाइफ की बचत ही इनकम होती है। मैं अब बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें फिक्की KPMG का कहना है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस सिर्फ हिंदुस्तान से जाने वाला इस इंडस्ट्री में। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप डायरेक्ट सामान किसी कंपनी से बाय कर रहे हो तो आपको इतने सारे बचत हो रहे हैं। बट क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग और मैं ही क्यों? पता क्यों दोस्त, आज इन बड़े लोगों ने, आप इनको जानते हो, जियो, एयरटेल, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, बिग बाजार, रिलायंस फेस, दिस इज अ बिग नेटवर्क क्रिएटिंग। इन्होंने एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया जहां से बहुत बड़ा पैसा आज ये कमा रहे हैं। बट क्या आप जॉब में ये काम कर सकते हो? क्या जॉब में आप किसी और को काम पे लगाओ और आपको पैसा मिलेगा? नहीं। मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जिस काम को करते हो तो आपको बहुत बड़ा पैसा आता है। जैसे कि एग्जांपल, रतन टाटा जी ने एक सिस्टम खड़ा किया। उन्होंने एक ऐसे बड़े ऑफिस तैयार किए, ऑफिस में एम्प्लॉय रखे और हर एम्प्लॉय के नीचे सुपरवाइजर, मैनेजर और डेली काम करने वाले वर्कर। इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। क्या उतना पैसा हमारे पास है कि हम भी क्रिएट कर ले? दोस्त नहीं है ना। तो इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करने की जरूरत है। अगर 1 लाख एम्प्लॉय डेली काम कर रहे हैं, 1 लाख एम्प्लॉय 8 घंटे काम करते हैं, तो आज इनके लिए डेली 8 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है, इसलिए आज ये पैसा ज्यादा कमा रहे। क्या आप कमाना चाहते हो? क्या लाइफ में आप भी चाहते हो कि मैं भी एक इस बड़ा का नेटवर्क तैयार करूं? दोस्त, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा पैसा, ये फंडा है। आप देखो, अगर आप सुपरवाइजर हो कभी बॉस से ज्यादा इनकम कमा सकते हो? नहीं ना, सेम। बट आज आपको मैं शो करने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो कंपनी वर्ल्ड वाइड जिसने इतिहास रचा, वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके 3 बहुत ही पावरफुल अनुभवी व्यक्तियों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया, मिस्टर गौतम बाली जी, दीपक सूद सर एंड कन्वर वीर सर। आज हमारी कंपनी के पास सारे वो सर्टिफिकेट हैं जो कंपनी को वर्ल्ड लेवल पे काम करने के लिए चाहिए। फिक्की का है, FSI का है, आप देख सकते हो कितने भी इस्लामिक कंट्रियों के लिए हलाल का सर्टिफिकेट है। तो हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं दोस्त। ये इकलौती पाक नेक कंपनी है जो वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। अगर बात करूं, आज हमें ना एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आज मैं आपको उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं। राइट प्लेटफॉर्म अगर किसी इंसान को मिल गया ना, वो कामयाब हो जाएगा जिंदगी में। तो मैं आज उसी के लिए बात करने आ रहा हूं दोस्त। प्लेटफॉर्म एक सक्सेस की है। सचिन तेंदुलकर कौन थे? 10वीं फेल। ओके, मेरी आवाज आ रही है?
रितु मैम क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही सर। सचिन तेंदुलकर कौन थे दोस्त? दसवीं फेल, मास्टर ब्लास्टर, स्कूल से गोली करके जाके क्रिकेट खेलने वाले। अगर इनको बीसीसीआई का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो क्या ये क्रिकेट के भगवान कहलाते? कभी नहीं। मैरी कॉम, क्या इनको बॉक्सिंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता क्या वर्ल्ड में चैंपियन बनती? कभी नहीं। दोस्त फेसबुक, आज हम डेली फेसबुक चलाते हैं, अगर आपके फोन से इंटरनेट गायब कर दो क्या फेसबुक चलेगा क्या? नहीं। हर किसी को कामयाब होने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म जहां से आप कामयाब हो सकते हो। ट्रेन को चलने के लिए दोस्त पटरी की जरूरत है, सड़क पर ट्रेन नहीं चलेगी, एक राइट प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप को चलाने के लिए आपके फोन में इंटरनेट हो, अगर एंड्रॉइड गायब कर दूं तो क्या आप व्हाट्सएप चलाओगे? कभी नहीं। हर किसी को कामयाब होने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एवरीबॉडी नीड्स अ प्लेटफॉर्म। तो दोस्त आज वैसी प्लेटफॉर्म की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म की आज ग्रोथ की बात करूं तो डे बाय डे पर ईयर 79% की तेजी से ये ग्रोथ कर रही है। इंडिया ही नहीं, अदर 10 कंट्री में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा बात करूं तो आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल के अंदर बात करूं तो हम 38 रैंक पे आते हैं, वर्ल्ड के टॉप 100 के अंदर 38 रैंक पे आना दोस्त बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की ग्लोती कंपनी आज हिंदुस्तान के बाहर जाके काम कर रही है ना, तो हम हिंदुस्तानी लोग आज भी हम मुंह धोने का ना कॉलगेट भी बाहर का यूज करते हैं, हमारा हिंदुस्तान का कॉलगेट नहीं है। लाइव हुआ साबुन भी हमारा हिंदुस्तान का नहीं है दोस्त, आज बहुत सारे कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम हिंदुस्तानी यूज करते हैं, पर आज हिंदुस्तान की ग्लोती कंपनी जो वर्ल्ड के बाहर जा तो मैं वही चीज आपको बोलने जा रहा हूं कि लाइफ के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको जो आपको कामयाब करेगा। आगे बात करूं तो आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेंज है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हेल्थ सेक्टर के। आपको कोई भी घर में हेल्थ की चैलेंज है तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है पर्सनली उनको आप बात कर लेना, वो आपको इसकी कैटलॉग शेयर कर देंगे जिसमें हेल्थ के प्रोडक्ट कौन कौन से बीमारियों में काम करते हैं, आयुर्वेदिक है, नेचर से जुड़े हुए, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्लस डेली यूज के प्रोडक्ट जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का है, होम केयर का है, ओरल केयर, टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह है, तो वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए कुछ चीजें मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे डेली यूज के प्रोडक्ट हो गए डीओ, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह जो आप मार्केट में आपको नीड है, और यही प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हम मार्केट से बाय करके आ रहे हैं, लेके आते हैं, पर डे पर मंथ हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है और हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, इसके बदले में हमें मिलता कुछ नहीं। ओरल केयर में टूथपेस्ट, टूथब्रश है, आप देख सकते हो घर के अंदर घरेलू सारे प्रोडक्ट, बर्तन धोने के लिए, कपड़े के लिए, ये सारे वो प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से लाते हो। अगर यही प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लो तो मैंने लाभ दिखाया कि यूजर बेनिफिट आपका यूजर बेनिफिट, ये प्रोडक्ट तो वैसे भी ला रहे हो, अगर आप हमारे से लेते हो तो आपको यूजर बेनिफिट मिलेगा, इसके साथ साथ आपको कंपनी 10 प्रकार की इनकम देगी। हाँ दोस्त बिल्कुल सही सुना, 10 प्रकार की इनकम। आपने एक ही प्रकार की इनकम अपने जॉब में सुनी होगी, पर यहाँ 10 टाइप्स ऑफ इनकम मिलेगी। वो क्या क्या मिलेगी, कुछ मोटे मोटे आपको हिंट दे रहा हूं जो कि हर आदमी का एक ड्रीम होता है। सबसे पहला आपको ये कंपनी जो देती है ट्रैवल फंड। दोस्त विदेश घूमना कौन नहीं चाहता, मैं 3 बार विदेश घूम के आ चुका हूं, क्या आप भी चाहते हो? तो दोस्त इसको समझना पड़ेगा। ये कंपनी गाड़ी लेने का पैसा देती है, आज बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने गाड़ियां ली, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, ये गाड़ी के साथ फोटो देख सकते हो, ऊपर की पहली फोटो मेरी है, मैंने भी यहाँ से गाड़ी ली 6 अगस्त 2020 लॉकडाउन, 9.5 लाख रुपए की गाड़ी लॉकडाउन में ली मैंने, ड्रीम था मेरा। हाउस वाइफ गाड़ी चला रहे हैं, यंग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, आप भी चला सकते हैं। आज हमारे पास क्या पावर है, एक तो वोट डालने की, हाँ दोस्त वोट डालने की पावर है हमारे पास, इसके अलावा 2 पावर है, एक तो रीपर्चेस की और एक रिकमेंडेशन की। हमें बार बार खरीदने की आदत है, ये पावर है हमारे पास। दूसरा है रिकमेंडेशन, क्या कि अगर मैंने किसी दुकान से सामान खरीदा तो आने के बाद मुझे सामान अच्छा लगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टेलर हो, चाहे कोई भी हो, मैं शेयर करता हूं,
यार वो डॉक्टर बढ़िया, वो टेलर बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने 100 की टीम बना ली, 100 लोगों तक मेरी बात पहुंच गई और मेरे माध्यम से उस टेलर की दुकान पे 100 लोग जाके कपड़े सिलवाने लगे, बताने लगे, तो मुझे क्या मिलेगा? कभी मिलेगा कुछ? 1 रुपया नहीं मिलेगा। सोचो अगर यही मैंने अपने लिए काम किया होता, एक ऐसा सिस्टम बना होता कि अगर ये लोग 3,000 के सामान वहां जाके खरीद रहे हैं, आप देखो टेलर की दुकान पे मेरी वजह से 3 लाख की सेल होने लग गई। क्यों? एक रिलायंस फ्रेश से नई दुकान खुली, मैं सामान ले गया वहां पर, सामान बड़ा फ्रेश था, मैंने आगे बताया, लोगों ने सामान लिया। क्या इसके अलावा ये तो काम तो हम तो करते हैं ना, क्या कभी पैसा मिला? नहीं मिला। आज आपको पैसा बताने जा रहा हूं, आप बताने जा रहे हो रिकमेंडेशन की पावर। सपोज करो कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, आप हमारे इंडस्ट्री से आप ज्वाइन होते हो, जुड़े, और आपने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट बाय किया, क्योंकि आपको पता है 3,000 का सामान 4 महीने लेते हो तो 4th महीने बाद 3,000 का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा, प्लस 58% की बचत के साथ। आपने 3,000 का सामान लिया तो आपको क्या आया? सपोज किया पहले महीने हमने काम किया, पहले महीने में मैंने इस बिजनेस को 10 लोगों को रिकमेंड किया, मैंने ऐसे 10 यूजर क्रिएट किए जिन्होंने 3,000 का सामान मेरे से खरीदा, तो एक राउंड फिगर में टर्नओवर कितनी क्रिएट की? 30,000 की। और 30,000 के टर्नओवर पे अंदर मुझे पार्ट टाइम में जो इनकम जनरेट हुई 4 से 5 हजार रुपए, 4 से 5 हजार रुपए मुझे आई। अगर ये चीज मैं समझ गया कि यार मैंने यूजर हूं और मैंने ऐसे अपने यूजरों को, अपनी फैमिली के लोगों को कनेक्ट किया, प्रोडक्ट अच्छे थे और उनको बताया, तो मुझे 4 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पैसा आया, प्रोडक्ट तो एक तरह से फ्री हो ही है। अगर यही चीज मैं उनको समझा दूं, 10 लोगों को, सेकंड मंथ में क्या होगा कि यही 10 लोग आगे जाके 10 को बताते तो 100 लोग होते हैं, और यही 100 लोग अगर 3,000 का सामान पर मंथ खरीदते हैं तो लगभग 3 लाख का टर्नओवर क्रिएट होता है, और मुझे जो इनकम आती है लगभग 25,000 प्लस की आती। क्या ये सिस्टम कहीं और है? अगर किसी ने पतंजलि का स्टोर खोला, उसका बिजनेस ऐसा चल रहा, आप भी उसको देख के खोलोगे तो क्या जिसको देख के खोला उसको पैसा गया? मेरे कहने से किसी ने जूते खरीद लिए, क्या भी क्या मुझे जूते फ्री मिले? बहुत सारे मैं हाउस वाइफों को देखता हूँ, लेडीजों को देखता हूँ, क्या कि साड़ी वाला आता है, उस साड़ी वाले की ना 10 साड़ी प्रचार करेगा, खुद ही बिकवा देती है, उनको एक साड़ी फ्री देके नहीं जाता। बट एक ऐसा सिस्टम प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्त, जहां पर आप वर्क करते हो, आपके साथ टीम वर्क करती है, आपके साथ सीनियर लोग वर्क करते हैं, आपको ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है, आपको हर एक चीज का सपोर्ट मिलता है, कॉलिंग के ऊपर, कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी आप अपने लोगों को बिजनेस समझा सकते हो हिंदुस्तान में किसी भी कोने में। और जैसे ये लोग तीसरे महीने के अंदर 100 लोग अगर 10 लोगों को बताते हैं, तो 1,000 लोग अगर 3,000 का सामान खरीदते हैं, 30 लाख की सेल जाती है दोस्त, और आपकी टोटल इनकम लगभग 2.5 लाख प्लस की होती है। हाँ दोस्त, हैरान नहीं होना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हैरान होने की जरूरत नहीं, 2.5 लाख रुपए मैंने सही बोला, होती है। आज लोग कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ नेटवर्क। मैंने बताया था ना, जियो ने एक नेटवर्क बनाया और लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा रहा है, हमने भी एक नेटवर्क क्रिएट किया, वो नेटवर्क हमारे माध्यम से आगे बढ़ता चला गया और वो खुद के लिए प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, मुझे पैसा रहा। अमिताभ बच्चन जी रिकमेंड करते थे, सामान बिकता था, उनको पैसा जा रहा है। मैंने इस सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम का उपयोग किया और इसके अंदर प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया, लोगों को रिकमेंड किया, और उनके माध्यम से जितना आगे चलता गया मुझे पैसा आता गया। इसके अंदर बात करूं, कंपनी आपको बड़े लेवल पर सम्मानित भी करती है, अगर आप काम करते हो तो आपको शाबाशी देती है, अवार्ड फंक्शन बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, बी गॉर्जियस डे, लीड्सों को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, प्लस फॉरेन ट्रिप दोस्त, यहाँ पर विदेश घुमाने ले जाते हैं। अभी फिर हम लोग विदेश घूमने जा रहे हैं बहुत जल्दी, अगर आप जिनके माध्यम से बुलाए गए हैं उनके साथ मिलके इस बिजनेस को करते हो तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि आप भी कैसे विदेश फ्री घूम सकते हो। आओ हम कुछ बात करते हैं लॉस ऑफ डिस्कशन का। अगर बात करूं, मैंने आज 100% आपको इस बिजनेस को समझाया तो मुझे यकीन है दोस्त आपको मात्र 70% आज समझ में आया होगा। अगर आप इस बिजनेस को किसी और से डिस्कस करते हो, आप फोन पे, अभी मीटिंग के बाद बाहर जाओगे, फोन पे लग जाओगे, कॉलिंग पे लग जाओगे, बात करने लग जाओगे, उससे क्या होगा, आपके माइंड में 70% जो बात बची थी मात्र 40% बची रह जाएगी। और जब इसके साथ में अगर आप किसी और को ये बिजनेस रिकमेंड करते हो कि यार इस काम में प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और लोगों को इस्तेमाल करवाना है, पैसा कमाना है, तो उसको मात्र
10% समझ में आएगा और वो आपको आंसर देगा नो, तू भी फंस गया क्या, तू भी फंसाने वाली कंपनी में फंस गया, चैन बनाने वाले कंपनी में। दोस्त आपको आज मालूम चला ना कि कोई भी चैन बनाने वाला काम नहीं है, एक लीगल सिस्टम है जो ऑलरेडी बहुत पहले से चल रहा है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो विराट कोहली ऐड नहीं करता, अमिताभ बच्चन ऐड नहीं करता, सलमान खान अंडरवियर नहीं बेचता। ये बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का बिजनेस जिसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन करके आपको बिहाफ ऑफ कंपनी एक आई कार्ड बनाती है, आपका यूनिक नंबर क्रिएट किया जाता है, जिस नंबर से आप जितना प्रमोट करते हो आपको कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमेशा एडवाइस लेनी है एक एक्सपर्ट से। आप लोग हमसे एडवाइस ले सकते हो, जिसने आपको इनवाइट किया आप उनसे एक्सपर्ट ले सकते हो। व्हाई शुड बी राइट नाउ ज्वाइन, क्यों आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए? टाइम फ्रीडम के लिए, प्लेस फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए। टाइम फ्रीडम है, आज जब चाहता हूं जहां चला जाता हूं बात करूं, आज प्लेस फ्रीडम है कि आज मेरी मनपसंद जगहों पर घूम के आ चुका हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम बोलूं तो हाँ कुछ हद तक हो गया हूं, पर कुछ हद तक अभी नहीं हुआ। पर मंथ अगर एवरेज इनकम की बात करूं, 1-1.25 लाख के आसपास की इनकम आज यहां से अर्न कर पा रहा। हाउ टू स्टार्ट, क्यों स्टार्ट करना चाहिए दोस्त, आपको पता है कैसे? आज हमारा एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद अपना आईडी क्रिएट करते हो, बकायदा आपका पूरा बिजनेस, आपका पूरा ऑफिस आपके फोन पे आ जाता है। और ये जिसके माध्यम से आप बुलाए गए हो उनसे कॉन्टेक्ट करना, वो आपको आगे का सिस्टम जरूर बताएंगे। आगे बात करूं तो आगे क्यों जुड़ू मैं इस कंपनी से, वाई शुड बी ज्वाइन, क्योंकि अगर मैं एक जनरल शॉप से दुकान से सामान लेता हूं ना मुझे बिल मिलता, क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं, डिस्काउंट मिलता नहीं, ऑफर मिलता नहीं, इनकम कम आज तक नहीं की। पर अगर मैं वेस्टिज से जुड़ता हूं तो कि मुझे आपको आपको नाम का बिल देगी, आपको क्वालिटी की गारंटी देगी, प्लस डिस्काउंट देगी, ऑफर देगी, अमेजिंग इनकम देगी। आपने एक फोटो देखी अभी, ये फोटो आप देख सकते हो, एक आइसक्रीम बेचने वाले शख्स ने इस बिजनेस को पार्ट टाइम ज्वाइन किया और ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ के सीखते हुए काम करते हुए आज अपने लिए कार खरीद चुका हूं। एक ऐसे हीरो से मिले जो रियल में हीरो है, मिथिलेश जी जो एसी ठीक करते थे, 10वीं पास, साइकिल से एसी ठीक करते थे, किसी ने इनको इस बिजनेस में आपकी तरह जोड़ दिया, आपकी तरह इस मीटिंग में बैठने का मौका दिया, इस बिजनेस से जुड़े और पार्ट टाइम इन्होंने काम किया और एक ऐसा सिस्टम रेडी किया जहां से आप पर मंथ ये 2 लाख से ज्यादा की इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे शख्स है जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो भी 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसे शख्स जो चल नहीं सकते हैं वो 15 लाख से ज्यादा बिजनेस पैसा कमा रहे, क्यों? उनका जितना बड़ा टर्नओवर, जितनी बड़ी टीम, उतना बड़ा पैसा। क्या ये आपको कहीं और मौका मिलेगा? कभी नहीं। आप देख सकते हो हमारे बीच में बहुत सारी हाउसवाइफ है जो पार्ट टाइम में 5,000-17,000 से ज्यादा रुपए कमा रही है। आप देख सकते हो हमारे बीच में बैठे हुए लोग 44,000-24,000 से ज्यादा यहाँ लोग पैसे कमा रहे हैं। पार्ट टाइम में यंग स्टूडेंट 7,600 रुपए, 19,000, 3,600, 10,000, 14 पार्ट टाइम के अंदर ये इनकम जनरेट कर रहे हैं। 17,000, 7,700 रुपए पार्ट टाइम के अंदर दोस्त इन्होंने प्रमोशन का काम किया। एक यहाँ पर एक ऐसी हाउसवाइफ है जिसने 8,000 रुपए भी कमाए, प्लस एक ऐसी हाउसवाइफ है जो मंथली 5 लाख रुपए भी कमा रही है। पावर ऑफ नेटवर्क, बड़े बड़े लोगों ने, यंग गर्ल्स को देखो आज बात करो तो लगभग 3,15,000 का पे आउट। आप देखो यहाँ पर हाउसवाइफ को 3,18,000 का पे आउट बिकॉज ऑफ नेटवर्क क्रिएट किया। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया, उनको पैसा गया। आज बात करूं यहाँ पर आप देख सकते हो यंग जनरेशन के बच्चे आज 1 लाख से ज्यादा की इनकम। अगर मैं बात करूं उसके बगल में नागपुर से हर्षल जी की फोटो लगी है जिनकी इनकम मंथली की 14 लाख से ज्यादा की है। तो दोस्त आज आज ही अपने आप से एक सवाल करें कि डू यू बिलीव यू डिजर्व अ बेटर टुमारो? क्या आपको विश्वास है आपका कल अच्छा होगा? आर यू गेटिंग क्लोज इट? क्या आप अपने ड्रीम के नजदीक जा रहे हो? व्हाट डू यू डूइंग अबाउट इट? क्या कर रहे हो अपने सपनों के लिए? हु और व्हाट, वो कौन है जो आपकी मदद करेगा उस सपने तक ले जाने की? अगर इसका जवाब नो होता है तो दोस्त आज ही जिसने भी आपको इस बिजनेस के लिए इस मीटिंग में बुलाया है उससे कांटेक्ट कीजिए और मेरा वादा है कि जरूर आपकी जिंदगी चेंज होगी जैसे हमारी हुई। हमारे सारे एप्लीकेशन है, आपका पूरा ऑफिस मोबाइल फोन पे मिलता है,
आपका ज्वाइनिंग फॉर्म भरने के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद आपको सारी टीम बता देगी क्या क्या करना है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप अपने ऑनलाइन मोबाइल फोन में अपने ऑफिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जिसने पेशेंस के साथ इस ट्रेनिंग को सुना। मैंने दोस्त वादा किया था हाफ एन आवर के अंदर मैं ट्रेनिंग खत्म कर दूंगा, लगभग हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा कि हाँ आप वो लोग हो जिनको ये मौका मिला मेरी तरह जिंदगी बदलने का। तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि इस ट्रेनिंग में आप लोग बैठे।